हेलो एवरीवन। तो आज GS2 में हम इंटरनेशनल रिलेशन के उसमें बात कर रहे हैं अपन। तो जो कि हमारे सिलेबस में GS2 के 17 और 18 यूनिट में दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम इसमें भारत एवं इसके पड़ोसी संबंध की बात कर रहे हैं। और इसमें सबसे पहले हमने बांग्लादेश के साथ रिलेशन देखा है। ओके, तो बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश और इंडिया का क्या क्या किस किस टॉपिक में पूछा हुआ है क्वेश्चन, तो मैंने आपको यहाँ पर लिस्ट दे दिया है, तो आप एक बार देख लेना इसे अच्छे से। ठीक है, इसके एक दो क्वेश्चन इसके रिपीट करा हुआ है। जैसे 1984 में इसने बॉर्डर के ऊपर जो फेंसिंग होती है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था, सेम 2008 में इसने क्वेश्चन रिपीट करके पूछा हुआ है बॉर्डर में फेंसिंग के ऊपर। ठीक है, तो इसके एक दो क्वेश्चन है जो कि रिपीट होते हैं, तो आप देख लीजिएगा। बाकी तो इसके करंट अफेयर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। ओके, इंटरनेशनल रिलेशन से। इसके बाद हम देखेंगे जो टेलीग्राम में क्वेश्चन दिया हुआ था उसे कैसे किया जा सकता है ना। सबसे पहले अपन देखते हैं इसकी नोट मेकिंग कैसी होनी चाहिए, इंटरनेशनल रिलेशन में नोट मेकिंग कैसे करना है, वो भी आप इसे सीखिएगा। ओके, तो सबसे पहले इसकी नोट मेकिंग देखते हैं। तो नोट मेकिंग में सबसे पहले मैंने इसे एक ऐतिहासिक संबंध के रूप में नोट किया हुआ है। ओके, कि ऐतिहासिक संबंध क्या है किसी भी कंट्री का इंडिया के साथ। इसके बाद इसके द्विपक्षीय संबंध के ऊपर मैंने बात किया है। इसके बाद मैंने सहयोग के क्षेत्र लिखे। अब सहयोग के क्षेत्र में मैंने व्यापार के साथ लिख दिया, व्यापार लिख दिया, कनेक्टिविटी लिखा, सीमा प्रबंधन, रक्षा और सुरक्षा, विदेश नीति। अब विदेश नीति भी मैंने लुक ईस्ट पॉलिसी और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के ऊपर बात किया हुआ है। इसके बाद इसका सांस्कृतिक संबंध, फिर पर्यटन, फिर बहुपक्षीय सहयोग के बारे में। बहुपक्षीय सहयोग में आप कौन कौन से लिख सकते हैं, इसके सार्क के बारे में, बीमस्टेक के बारे में, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के बारे में और BVIN प्रोजेक्ट के बारे में। ओके, तो आपके नोट्स में ये सब होना। इसके बाद इसके कोई भी कंट्री का इसके बाद महत्व देखना है अपने को। जैसे इसमें मैंने तो बांग्लादेश के साथ बात कर रहा हूँ, तो इसमें बांग्लादेश का महत्व है। लेकिन यदि ये क्वेश्चन मैं किसी और भी कंट्री के साथ करता, यदि मैं श्रीलंका के साथ इंडिया का रिलेशन के ऊपर लिखता, तो मेरे नोट्स ऐसे ही बनते सेम। इसका श्रीलंका के साथ ऐतिहासिक संबंध क्या है, उसके साथ द्विपक्षीय संबंध क्या और सहयोग के क्षेत्र क्या क्या है। ठीक है, और पॉइंट भी यही रहते हैं उसके। तो बस आप में इसमें ज़्यादा मेहनत करने की इसमें ज़रूरत नहीं रहती। इसमें बस आपको करंट अपडेट करना रहता है कि आप बांग्लादेश के साथ इंडिया के कौन से प्रोजेक्ट चले हैं और श्रीलंका के साथ कौन से चले हैं और अदर कंट्री के साथ कैसे करें। बाकी इसका फॉर्मेट सब सेम यहीं पर रहेगा। जैसे बांग्लादेश का महत्व है, यहीं पर श्रीलंका का महत्व लिख दूंगा जिस दिन मैं श्रीलंका के और इंडिया का संबंध बताऊंगा। तो बांग्लादेश का, इसमें मैंने बांग्लादेश का संबंध महत्व बताया है, तो बांग्लादेश के महत्व में मैंने भू राजनीतिक, व्यापार, निवेश और सांस्कृतिक क्या क्या महत्व है, तो मैंने इसके ऊपर बात किया हुआ है। ठीक है, तो इसको इसके बाद हम डिटेल में देखते हैं कि इसको कैसे लिखा जाएगा इसे। इसके बाद इसके चुनौतियों बात कर दिया। तो चुनौतियों में सबसे पहले इसमें दोनों के मध्य विवाद कौन कौन से, तो सबसे पहले इसका नदी विवाद लिख दिया। क्या नदी विवाद में कौन कौन सी नदी, तीस्ता नदी, बराक नदी और बराक की सहायक थी कुशियारी नदी। तो इसके ऊपर क्या क्या विवाद है, इसके ऊपर नोट मेकिंग हो जाएगी। अब इसके बाद इसका अवैध प्रवासन के ऊपर बात करते हैं। तो अवैध प्रवासन में कौन रोहिंग्या हो गए और चकमा शरणार्थी हो गए, तो इनके ऊपर बात करना है। फिर NRC, जल साझाकरण मतलब वाटर शेयरिंग, अवैध गतिविधियां, फिर बढ़ती कट्टरता मतलब सांप्रदायिकता के ऊपर आ जाएगी इसमें। इसके बाद इसके सरकार द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए हैं और इसका वे फॉरवर्ड लिख के ख़त्म कर देना आपके नोट्स को। ठीक है, इसके बाद इसका करंट अपडेट कर लीजिएगा। तो करंट अपडेट में जो भी रहेगा, जैसे रेलवे लिंक प्रोजेक्ट कौन कौन सी चल रही है, पाइपलाइन कौन सी चल रही है, जैसे मैत्री पाइपलाइन अभी न्यूज़ में थी वो हो गया, फिर सीपा के बारे में लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो इसके बाद सबसे पहले मैं जो आपको बता रहा था इसके बाद कि जैसे बांग्लादेश का महत्व है, बांग्लादेश को महत्व को अपन इसे डिटेल में कैसे लिख सकते हैं, तो मैं आपको आगे बता रहा हूँ। ठीक है, ये किसी भी कंट्री के साथ आपको यही लिखना है। जैसे मैंने बांग्लादेश का महत्व लिखा, बांग्लादेश में महत्व में सबसे पहले पॉइंट डाला भू राजनीति में कौन कौन से संबंध हो सकते हैं। तो सबसे पहले दक्षिण पूर्व एशिया के लिए सेतु का कार्य करता है। ठीक है, इसके बाद ये पूर्वोत्तर भारत के साथ जुड़ाव का कार्य करता है। फिर दक्षिण एशिया को सेतु शक्ति के रूप में सुदृढ़ करने का कार्य करता है। आतंकवाद से मुकाबला तथा कट्टरता की रोकथाम करता है। फिर पूर्वोत्तर क्षेत्र में उग्रवाद को नियंत्रण कारण करता है। तो ये इसके हो गए कौन से भू राजनीतिक कारण, है ना। इसके बाद मैंने इसके व्यापार और निवेश के ऊपर बात करा। तो व्यापार के और निवेश में सबसे पहले मैंने द्विपक्षीय व्यापार के बारे में बता दिया, फिर निवेश के अवसर के बारे में बता दिया, फिर ब्लू इकोनॉमी में संबंध सहयोग बता दिया जो कि करंट में था। अब इसका फिर मैंने डिटेल में बता दिया, इसका डाटा दे दिया कि यार 10.8 अरब डॉलर का इसके साथ द्विपक्षीय व्यापार है। ठीक है, इसके बाद बांग्लादेश और दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारी भागीदार है, है ना, तो ये बता दिया। फिर उसके बाद एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट था अलग कौन सा, इस बांग्लादेश भारत के लाइन ऑफ क्रेडिट LOC का सबसे बड़ा लाभार्थी भी है। ठीक है, तो ये इसका महत्व हो गया। महत्व के बाद हम बात करते हैं इसमें सरकार के द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए हुए हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइज, इसे आप हर एक कंट्री के साथ आप इसे जोड़ के देखने करेंगे। जैसे मैंने यहाँ बांग्लादेश के बताया, जब भी आप नोट्स बताएं तो आप इसी वे में दूसरी कंट्री के जब पढ़ेंगे तो उसके साथ बनाइएगा। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे सरकार द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए हैं उसको मैंने डिस्कस किया है। जैसे मैंने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए, तो इसने भूमि शुल्क में स्टेशन बनाने का काम किया है, सीमा शुल्क में कटौती किया हुआ है, फिर बॉर्डर हार्ड बनाए हुए हैं, एकीकृत चेक पोस्ट बनाया। अब एकीकृत चेक पोस्ट का मैंने एग्जाम्पल दे दिया कि असम में सुतारकंडी हो गया। ठीक है,
इसके बाद मैंने कनेक्टिविटी की बात करा, तो कनेक्टिविटी में कौन कौन सा होगा, फैनी ब्रिज हो गया जो कि न्यूज़ में था, उसको अपन ने यहाँ पे डाल दिए, ठीक है। फिर अंतर्देशीय जल पारागमन के ऊपर बात हो गया, फिर व्यापार पर प्रोटोकॉल हो गया, इसके बाद कौन सा कदम उठाएं, फिर विकास में सहयोग हो गया। विकास में सहयोग कौन कौन से हो गए, विकास में सहयोग होगा जैसे एग्जाम्पल ला दिया, अकोरा से अगरतला के बीच रिंग लिंक चालू की गई है, फिर भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री पाइपलाइन आ गई है ना, फिर भारत और रूस द्वारा बांग्लादेश में रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई जो कि करंट से था। तो अब जितने भी करंट आएंगे, जैसे यहाँ पे मैंने श्रीलंका के ऊपर बोलते हैं, तो श्रीलंका के और इंडिया क्या क्या प्रोजेक्ट थे, तो अब विकास वाले में लिख देते, ठीक है। अब इसके बाद फिर मैंने नदी विवादों को बता दिया कि फैनी नदी जल बंटवारा था जिसका समझौता MOU में साइन कर लिए थे 2019 में, ठीक है। इसके बाद फिर भारत ने कोरोना महामारी के दौरान भारत बांग्लादेश की बहुत सहायता किया, तो उसके बारे में लिख दिया। हेल्थ वाला पॉइंट आ जाता है, बोले कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सरकार ने बांग्लादेश के लिए हेल्प की थी। उसके बाद अब समाधान की बात करते हैं, तो अब समाधान में मैंने 4-5 पॉइंट लिख दिए, तो आप इसे एक बार पढ़ लीजिएगा, इनके बहुत अच्छे पॉइंट है ये, और इसको आप हर एक कंट्री, जो भी कंट्री के साथ आप रिलेशन बताएंगे उस कंट्री में डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बांग्लादेश के बारे में लिखा है, यही पॉइंट मैं श्रीलंका के साथ भी लिख दूंगा कि जमीन स्तर पर डिजिटलकरण के माध्यम से सीमा पर आवर्जन प्रबंधन के देखरेख का कार्य किया हुआ है, ठीक है। फिर लोगों के मध्य संपर्क को प्रोत्साहित करना, ये भी मैं श्रीलंका के पॉइंट में डालूंगा, लेकिन ये नहीं डालूंगा कौन सा मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट, क्योंकि ये जो योजना चली है वो किसके साथ चली हुई है, बांग्लादेश के साथ। लेकिन अब क्वेश्चन आपको श्रीलंका के साथ पूछेगा, तो आप श्रीलंका के साथ इंडिया ने कौन सी योजना चालू की आप उसको यहाँ पर डाल दीजिएगा, ओके। इसके बाद जो मैंने टेलीग्राम में क्वेश्चन दिया हुआ है उसके ऊपर बात करते हैं कि उसे कैसे लिखा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन था, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन को हमेशा पार्ट में डिवाइड करिएगा। जैसे ये क्वेश्चन है तो इसमें दो पार्ट बनते हैं, कौन से दो पार्ट, जैसे इसमें पहला पार्ट बनता है कि भारत और बांग्लादेश ने हाल ही में अपने संबंधों को गहरा किया है, ये पहला पार्ट बन गया। इसका फिर दूसरा पार्ट बना है कौन सा, इससे कई लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों को हल करने में विफल रहा है, इसके ऊपर चर्चा कीजिए। तो क्वेश्चन के कितने पार्ट बन गए, तो क्वेश्चन के हमारे दो पार्ट बन गए, तो दो पार्ट बन गए। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो लिखते हैं, तो इंट्रो में वही अपने कौन से नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के बाद ऊपर बात कर दिए, फिर उसका एग्जांपल दे दिए कि बांग्लादेश के साथ भारत ने हाल ही में विभिन्न सहयोग क्षेत्रों के ऊपर निश्चय किया हुआ है। इसके बाद जब मेन पार्ट, अब सबसे पहला पार्ट लिखते हैं, सबसे पहला पार्ट जो है वो है कि भारत बांग्लादेश के मध्य समझौता जिनकी वजह से हुआ है उनके कारण बता दिए। अब कारण कौन कौन से हो गए, जैसे सैन्य और सुरक्षा समझौता, इनके कारण भारत और बांग्लादेश के जो मध्य समझौता है वो गहरा हुआ इनके बीच, ठीक है। अब मैंने सैन्य का एग्जांपल दे दिया, अब सैन्य का एग्जांपल मैंने क्या डाल दिया कि यार जो करंट में चल रहा था कि मिलन और संप्रीति जो सैन्य अभ्यास था वो बांग्लादेश के साथ हुआ, तो मैंने इसके सैन्य अभ्यास में डाल दिया। अब सुरक्षा के लिए मैंने क्या डाल दिया कि तटीय निगरानी प्रणाली मतलब व्हाइट शिपिंग इसके साथ समझौता हो गया, तो ये वाला पॉइंट डाल दिया मैंने। बाकी डाल दिया फिर खुफिया जानकारी साझा करना, फिर भारत द्वारा सैन्य उपकरणों की आपूर्ति करना, है ना। फिर सेकंड पॉइंट था इसका भूमि सीमा समझौता। भूमि सीमा समझौता में इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के ऊपर बात करते हैं, तो ये 2015 से स्टार्ट हुआ था, इन दोनों ने कंट्री ने हस्ताक्षर किए थे। एनक्लेव मतलब ये होता है कि जैसे भाई इंडिया हो गया और ये हो गया बांग्लादेश, इन दोनों की बॉर्डर में जो पोरस बाउंडरी होती है, यहाँ जो लोग रह रहे हैं बांग्लादेश से और यहाँ पे लोग रह रहे हैं कहाँ से, इंडिया से, तो इनके क्षेत्र कई लोग यहाँ पे जाते थे और कई लोग यहाँ पे जाते थे, तो इनके बीच समझौता हुआ, ठीक है। जैसे विदेशी अंतर क्षेत्र कहते हैं एनक्लेव, तो इनके बीच हस्ताक्षर हुआ है कि दोनों में से किसी एक का नागरिक बनने का अधिकार दे दिया गया, या तो आप बांग्लादेश के नागरिकता ग्रहण कीजिए या फिर इंडिया की कीजिए। इसके बाद फिर बहुपक्षीय सहयोग हो गया, बहुपक्षीय सहयोग में वही सार्क हो गया, बीमस्टेक हो गया, इंडियन ओशियन रिम। फिर इसके बाद इसके व्यापार संबंध की बात करते हैं, तो व्यापार संबंध में इसका देख लिए कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बारे में बात कर लिए कि यार 9.12 बिलियन डॉलर का है और 1.04 डॉलर का आयात है, है ना। फिर इसके बाद बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, ये बहुत अच्छा पॉइंट हो गया, तो यहाँ पे डाल दिए। फिर इसका सांस्कृतिक संबंध लिख दिए। इसके बाद फिर अन्य क्षेत्र डाल दिए कि जैसे पर्यावरण, शिक्षा, प्रौद्योगिक, स्वास्थ्य देखभाल इत्यादि में ये महत्वपूर्ण सहयोग दे रहा है ना। अब यही जो पहला पार्ट था क्वेश्चन का, पहले पार्ट को क्वेश्चन को मैं एंड करते हुए सेकंड पार्ट वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ, वो कैसे कर रहा हूँ देखिए। यहाँ से लिखा है कि उपरोक्त क्षेत्रों में संबंधों के कारण भारत व बांग्लादेश का संबंध गहरा है, किंतु कई अन्य ऐसे कारण हैं जिनके कारण में पुराने विवादों का निपटारा नहीं कर सका है। तो मैंने यहीं से विवाद और चुनौतियाँ चालू कर दी, मतलब यहाँ मैंने फर्स्ट पार्ट को ऐड किया और यहीं से मैंने सेकंड पार्ट स्टार्ट कर दिया। तो अब विवाद और चुनौतियाँ कौन सी है, तो विवाद चुनौतियों में मैंने नदी विवाद बता दिया। अब नदी में फिर वही तिस्ता हो गई, कुशियार हो गई, बराग नदी के बारे में बता दिया। फिर बता दिया कि यार चीन का हस्तक्षेप की बढ़ते जा रहा है कहाँ पे, बांग्लादेश में, उसे रचना निवेश में। फिर अवैध गतियों के जन्म देने में पोरस बाउंड्री है, उसके बारे में बता दिया। फिर अवैध प्रवासन
बता दिया, जिसमें शरणार्थी की समस्या बता दिया, फिर उग्रवादी समूह की मौजूदगी जैसे कि अल इस्लामी और जमात इस्लामी के बारे में बता दिया, ठीक है। इसके बाद मैंने इसका कंक्लूज़न लिख दिया। तो कंक्लूज़न में मैंने ये लिख दिया कि इनमें सहयोग, सहकारिता और समीकरण पर काम जारी रखने की आवश्यकता है। हालांकि कुछ कुछ विवाद तो हैं, लेकिन उसके साथ साथ इसके संबंध भी गहरे होते गए, है ना। तो इस टाइप से आपका आंसर फॉर्मल बन जाता। तो आप ये जो आंसर है, इससे आप कैसे पॉइंट निकाल सकते हैं कि इससे आप निकालिए कि यार इसके भी जो गहरे संबंध होते हैं ये हर कंट्री के साथ होते हैं। जैसे कि सैन्य सुरक्षा संबंध क्या बांग्लादेश के साथ सिर्फ है, श्रीलंका के साथ भी हैं, यूएसए के साथ भी हैं, जापान के साथ भी हैं, सभी के साथ हैं। तो आप इसे निकाल, इसे यहाँ से निकाल, मतलब ये पॉइंट देखिए आप, और यहाँ से इसका टॉपिक बनाना चालू करिएगा, ओके। तो ये आपके नोट्स में हो जाना चाहिए। अभी हर कंट्री के साथ कर सकते हैं, जैसे भूमि समझौता, भूमि समझौता किसके साथ होगा, जो नेबर कंट्री उन्हीं के साथ भूमि समझौता होगा, ना कि यूएसए के साथ होगा, जापान के साथ होगा। तो ये वाला हो गया फिर, ठीक है। फिर बहुपक्षीय सहयोग हो गया कि कौन कौन सी, जिस कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं तो वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन में किस किस के साथ है, तो उसके साथ क्या सहयोग हो गया, तो इसके बारे में हो गया, ठीक है। और फिर ये सरकार द्वारा उठाए कदम होगा, तो इसको भी आप जो भी कंट्री के बारे में आप लिखेंगे उसके बारे में आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। बस उनका करंट अफेयर आप ऐड कर दीजिएगा। आई होप गाइस मुझे जो समझाना था वो आप समझ गए होंगे और आ गया होगा। यदि फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा जो भी डाउट होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।